चलिए अब हम अपना नया जो है टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्री में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो भी सिर्फ जो करंट का जो कुछ मटेरियल अगर आपको मिलता है कि करंट में ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे जो अग्नि है वो मिसाइल लॉन्च की गई है, कुछ हमारी प्लानिंग्स हैं, हमने कुछ सेटेलाइट लॉन्च किए हैं और फर्दर जो फ्यूचर इन फ्यूचर करने की जो प्लानिंग है, तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ प्री में आ सकते हैं। उनकी रेंज हो गया कि ये मिसाइल की रेंज क्या है, और अगर हमने कोई कंप्यूटर डेवलप हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, या इंडिया में कोई सुपर कंप्यूटर है, कोई रोबोट है, एनीथिंग, कोई टेक्नोलॉजी है, तो उसके करंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो हम डिस्कस करने वाले हैं सारा, ये पर्टिकुलरली मेंस के लिए है। मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा नहीं तो करीब 40 to 60 मार्क्स यहाँ से पेपर आता है आउट ऑफ 300। इतना आता तो थोड़ी सी वेटेज इसकी बन जाती है। तो अगर और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता इसमें, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक आप देख लीजिए कि अगर आपको बेसिक साइंस की नॉलेज है तो आप इनको अच्छे समझ सकते हो। कहाँ भी मिलेगा चीज़, न्यूज़पेपर को ट्रैक करते रहिए हमेशा, और उसमें भी ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट पे सर्च मार सकते हैं, द हिंदू में रेगुलर एक थर्सडे को कॉलम आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको पढ़ते रहिए, उतना बहुत है, ज़्यादा कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले, दिस इज़ अबाउट मिसाइल प्रोग्राम। देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मिसाइल क्या चीज़ होती है। अब इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ये तो मिसाइल लग रही है या रॉकेट है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपको क्लैरिटी के लिए पता होना चाहिए कि मिसाइल और रॉकेट में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, शक्ल दोनों की एक सी हो सकती है। फ़र्क कहाँ से पड़ता है? फ़र्क पड़ता है उनका जो पेलोड उसके अंदर रखा जाता है। अगर उसके अंदर जो पेलोड है वो एक्सप्लोसिव हम रखते हैं, एटम बम रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं, देन इट इज़ अ मिसाइल। और अगर पेलोड जो है जो उसने कैरी करना है वहाँ पे सेटेलाइट रख देते हैं उसके ऊपर टॉप में, जो उसके अंदर कंटेनर्स हैं, तो वो रॉकेट बन जाएगा। बस इतना डिफरेंस है, अदरवाइज सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सेम प्रिंसिपल पे उड़ते हैं, सेम प्रिंसिपल पे अपना एटमोसफियर से बाहर स्पेस में जाके वापस आते हैं या वहीं रह जाते हैं, जो भी जैसा भी वो होगा। एनी हाउ तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करें इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। तो पहले थोड़े से मिसाइल के बारे में बात करते हैं कि मिसाइल कौन कौन सी होती हैं। एक जो जनरली हम देखते हैं, जो नाम सुनते हैं, अग्नि मिसाइल है, ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, जैसे अग्नि है, त्रिशूल है, अस्त्र है, बहुत सारी मिसाइलें, सागरिका है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो है कि जो वेपन लेके जाता है, यानी कि वेपन डिलीवरी व्हीकल है, और उसके जो जो पाथ है वो पैराबॉलिक पाथ होता है बेसिकली इनका, तो वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्योंकि पाथ जो है, जो उसका जब मूव करती है एक मिसाइल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ करके कि वाइट पेपर पे करते हैं बेटर रहेगा। यहाँ पे आपने एक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है, ठीक है, और वो जो पाथ फॉलो कर रही है, ये वो पाथ फॉलो करके यहाँ पे आके मिसाइल ये डिस्ट्रॉय कर रही है इस एरिया को। तो ये जो आपका है, दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल, ब्लास्ट हो रही है, ये वेपन कैरी कर रही है। और अगर ये इसका जो पाथ है ऐसे ना हो के कुछ ऐसे हो जाए यूं, यानी कि दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल टू प्लेन कह लीजिए, प्लेन कह लीजिए, या अर्थ सरफेस कह लीजिए, दैन इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड, जो इसका ये कौन सी मिसाइल होगी आपकी, दिस इज़ क्रूज मिसाइल। ये डिफरेंस है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में, यानी कि जो इसका पाथ है दिस इज ट्रैजेक्टरी पाथ है, और जो ट्रैजेक्टरी है ये पैराबॉलिक है बेसिकली, बस ये पैराबॉलिक है, ये बस ये डिफरेंस है। और क्रूज मिसाइल जो हम यूज़ करते हैं जनरली, दे आर गाइडेड मिसाइल, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्रूज मिसाइल इज अ गाइडेड मिसाइल, जो कि क्या पेलोड उसके अंदर भी एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि अगर पेलोड हम कोई सेटेलाइट रखते हैं तो इट बिकम्स अ रॉकेट, अदरवाइज ये क्या सिंपल एक्सप्लोसिव यूज़ कर रहे हैं जो इसका पेलोड है, सो इट बिकम्स अ मिसाइल। अगर गाइडेड है और हॉरिजॉन्टल यूज़ करते हैं तो इट्स अ क्रूज मिसाइल, फाइन। और कुछ कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ये, ताकि ये न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हो ना थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल, तो अजीब सा ना लगे कि ये बैलिस्टिक मिसाइल तो ठीक है, थिएटर कहाँ से बीच में आ गया, और कौन से थिएटर में मिसाइल होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के बेस पे देख लीजिए, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब रेंज पे किया हुआ है, जिनकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर के बीच में होती है, दे आर कॉल्ड टैक्टिकल। बैटल फील्ड रेंज, इनको BRBM लिखा हो सकता है कहीं न्यूज़ पर या किसी पैम्फलेट में, तो
तो 200 से कम की रेंज के होते हैं बैटल फील्ड है, यानी कि सबसे छोटी बैटल फील्ड आप कह सकते हैं उसका टैक्टिकल है, और 300 से अगर ऊपर ले जाएं 350 से 3000 तक ये जा सकते हैं, देयर थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल, और ये मेन हो गई हैं। उसके अलावा जो हम जनरली बांटते हैं वो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, उसके अलावा एक और है इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज जो है, ऐसे हम उसको देखते हैं। शॉर्ट रेंज की अगर बात करें उसको SRBM जनरली कहते हैं, जो रेंज है 1000 से कम की होती है, 1000 किलोमीटर्स में बात कर रहा हूँ। मीडियम रेंज अगर 1000 है 3500 किलोमीटर है, और इंटरमीडिएट उससे ऊपर चले जाइए 5500 किलोमीटर तक, दिस इज लॉन्ग रेंज कह दी, इंटरमीडिएट कह सकते हैं इसको। और उसके बाद जो ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, यानी कि एशिया से जो यूरोप, या एशिया से अफ्रीका, एशिया से अमेरिका, या अमेरिका से वो ऑस्ट्रेलिया, इतनी उनकी रेंज होती है। तो जो उनका रेंज अगर देखें मोर देन 5500 किलोमीटर जो है उनकी होती है, एंड देयर कॉल्ड ICBM को हम कहते हैं। और इंडिया के पास मैं आपको बताऊँ अभी कोई ICBM नहीं बना पाए हैं अभी, रशिया के पास है टोपोल एम है, अमेरिका के पास है ICBM है, उसके अलावा एक और आप नाम सुनते हैं SLBM, दिस इज सबमरीन लॉन्च्ड, कि वो मिसाइल जो आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन जो अंडर वाटर जो व्हीकल्स मूव करते हैं दे आर सबमरीन, वहाँ से जो लॉन्च करते हैं मिसाइल दे आर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब जो इंडियन मिसाइल्स हैं उस प्रोग्राम के बारे में बात करें, देखिए आपको पता होगा हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो फॉर्मर प्रेजिडेंट थे इंडिया के, उनके अंडर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, दैट वॉज अबाउट द गाइडेड जो मिसाइल हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम था जो उन्होंने शुरू किया था, तब 1989 में उन्होंने शुरू किया था, जो अग्नि का प्रोजेक्ट है तब ये शुरू किया गया था, और तब से लेके अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, उसके अलावा काफ़ी सारी मिसाइलें जैसे पृथ्वी है, त्रिशूल है, अस्त्र है, ब्रह्मोस है, कितनी सारी मिसाइलें डेवलप की गई हैं, सारा उसी का पार्ट है। जिसको हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी एक नया हम शुरू कर रहे हैं, कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने स्पेस को दूसरे मिसाइल के अटैक से बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का नाम दिया गया है, और वो भी IGMD जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसी में से निकाला गया है। और 2005 में इंडिया ने एक नई चीज़ अचीव की है कि वर्ल्ड का फोर्थ कंट्री बन गया जिसने एंटी बैलिस्टिक जो है कैपेबिलिटी अचीव की, और दो चीज़ें टेस्टेड की, दिस इज़ PAAD, दिस इज़ एडवांस्ड जो ये सिस्टम है इसका, और दूसरा पृथ्वी, दिस इज पृथ्वी एंटी बैलिस्टिक डिफेंस कह लीजिए, और वो एडवांस जो है एंटी बैलिस्टिक डिफेंस है। और इस प्रोग्राम जो है हमारा गाइडेड जो मिसाइल का प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, इसके तहत क्या क्या आता है, हमारी जो अग्नि मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू सरफेस हैं, इंटरमीडिएट होंगी या लॉन्ग रेंज होंगी, वो हमेशा याद रखिए सरफेस टू सरफेस, यानी कि सरफेस से आप उसको चलाएंगे, जब वो जाके जहाँ ब्लास्ट होंगी, जब गिरेंगी वो सरफेस पे ही गिरेंगी, हवा में नहीं क्रैश हो रही हैं वो। और जो शॉर्ट रेंज होती है लाइक 9 किलोमीटर्स है, 20 किलोमीटर्स है, 30 किलोमीटर्स है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, वो आगे नाम आपको आ रही है। दूसरी शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है जैसे पृथ्वी है, ये भी सरफेस टू सरफेस है, ये भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके अलावा आकाश मिसाइल है, जिसको जब लॉन्च करते हैं तो जैसे कोई प्लेन है उसको अटैक करने के लिए, तो ये सरफेस से एयर हो गया, उसके लिए यूज़ किया। त्रिशूल है, ये भी सरफेस टू एयर है। और नाग मिसाइल जो है वो भी इसी प्रोग्राम का पार्ट है, बट इसके बारे में खास बात ये है कि जो नाग मिसाइल को पर्टिकुलरली टैंक के लिए डेवलप किया गया, ये टैंक को डिस्ट्रॉय करने का काम आती है, इसलिए इसको एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं। दूसरी इसकी खासियत है ये गाइडेड मिसाइल है, सेंसर्स लगे होते हैं, कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट, लॉन्च कर दिया भूल जाइए, ये अपने जो टारगेट होगा उसको डिस्ट्रॉय करके ही ख़त्म होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जो फर्स्ट मिसाइल उसकी बात करते हैं, पृथ्वी, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ इन चीज़ों को आपको, अगर आप शॉर्ट नोट आता है पृथ्वी के बारे में, अगर वहाँ पे शॉर्ट नोट आता है अग्नि 3 के बारे में, तो आप लिख पाएँ। पर आजकल UPSC जो है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर चुकी है, वो ये तो पूछती है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताइए, बट साथ में ये ज़रूर पूछ लेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बना रहे हैं हम, कि हमने पृथ्वी बना ली है, हमने ये मिसाइलें बना ली हैं, बट अब हमें ज़रूरत क्या कि हम अग्नि 4, अग्नि 5 के पीछे पड़े हुए, हमें क्यों चाहिए 6000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल, 10000 किलोमीटर वाली रेंज मिसाइल क्यों चाहिए हमें, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं। और आपको ये चीज़ें कैसे पढ़नी है, बेसिक फैक्ट के साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चीज़ यहाँ से निकालिए, इसको समझिए कि इसकी स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं पृथ्वी की, आपको पता क्या होना चाहिए कि
कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस बैटल फील्ड मिसाइल है। तीन वर्जन है इसके, आर्मी वर्जन है जिसको पृथ्वी वन कहा जाता है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से, और पे लोड कि कितना जो वेपनरी है ये एक्सप्लोसिव जो है कैरी कर सकते हैं दिस इज 1000 किलोग्राम। और जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं ना यूपीएससी अगर प्री की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको यही आइडिया रखना है, रेंज और उसका पे लोड जरूर याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मिसाइल में यही फ़र्क होता है, उनकी रेंज का ही फ़र्क होता है और पेलोड का, अदरवाइज सभी मिसाइलें सेम ही होती हैं, सेम प्रिंसिपल पे वो काम करती हैं। पृथ्वी वन आर्मी के लिए, पृथ्वी टू एयरफोर्स के लिए जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से, बट पेलोड कम हो गया, ये याद रखिए कि जब आप पेलोड बढ़ाएंगे तो जो रेंज होगी वो हमेशा कम होती जाएगी। यहाँ पे आपने पेलोड कम कर दिया तो रेंज बढ़ गई है। पृथ्वी थ्री जो नेवी के लिए बनाई गई नवल वर्जन है वो 350 किलोमीटर से रेंज है, बट इसकी जो आपका पेलोड है ये 500 किलो ग्राम तक कैरी कर सकती है। उसके बाद जो सेकंड मिसाइल है दैट इज धनुष, ये कुछ नहीं है, जो पृथ्वी थी उसका नवल वर्जन जो बनाया उसको नाम दे दिया गया धनुष, और ये 250 से 350 किलोमीटर के बीच में मार कर सकती है जो इसकी रेंज है। और उसके अलावा एक और मिसाइल है नेवी K-15 सागरिका जो कि सबमरीन लॉन्च्ड है एक्चुअली, तो वो भी कहा जाता है कि धनुष का ही एक वर्जन है, इसका फर्दन कह लीजिए। तो ये यहाँ पे कुछ, उसके बाद अग्नि मिसाइल जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको उनके बारे में दिया जैसे पेलोड कितना है, रेंज कितनी है और फ्यूल जनरली जो है। तो अगर अग्नि की बात करूँ, देखिए आप देख सकते हैं 1000 किलोग्राम ये पेलोड ले जा सकती है, और आगे बढ़ते जाइए अग्नि 3 2000 टू 2500 किलोग्राम्स, अग्नि 4 थोड़ा कम है, अग्नि 5 भी कम ही है 1500 किलोग्राम, बट बहुत एक्सप्लोसिव होता है ये। बस आप देखिए रेंज, अग्नि 1 से अग्नि 5 तक आइए, अग्नि 700 से शुरू हो रही है और अग्नि जो 5 है ये करीब 5800 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सिंपली कह सकते हैं स्मूथली कि 6000 किलोमीटर जो है सेफली इतना कह सकते हैं 6000 किलोमीटर की रेंज है। यानी कि ये किस उसमें आ गई, ये ICBM बन गया हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और अग्नि 1 जो है सिंगल स्टेज यानी कि उसमें एक स्टेज होगी सॉलिड स्टेज होगी जहाँ से अग्नि चलेगी और वो अपना जाके कोई दूसरा उसमें ना प्रोपेलर होंगे दूसरे वो। और जो अग्नि 2 है उसमें स्टेज बढ़ चुकी हैं, अग्नि 3 में 2 स्टेज हैं, और जो अग्नि 5 डेवलप की जा रही है 3 स्टेज हैं, क्योंकि रेंज ज़्यादा होगी तो इसको हाई ऑल्टीट्यूड पे उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोपेलर्स भी चाहिए फ्यूल्स भी चाहिए, तो अलग अलग स्टेज में। और दूसरा जो फ्यूल होगा हमेशा वो सॉलिड भी होगा लिक्विड भी सारा हो सकता है। और जो अग्नि 1 और 2 और 3 हैं ये इन सर्विस हैं, जैसे अग्नि 2 1999 में की गई इंडक्ट, अग्नि 1 को 2002 में, अग्नि 3 2011, अग्नि 4 और 5 टेस्ट की जा चुकी हैं और चल रहा है। अब यहाँ से आप थोड़ा देखते हैं जो रेंज है कि इंडिया का जो आप यहाँ मैप नज़र आ रहा है, आप देखिए कि जो हमारा दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, ये इंडिया है हमारा और हमारा जो दायरा है हम बढ़ा चुके हैं, कि ये था अग्नि 2 का इस एरिया तक, यानी कि अगर इधर हम सारा कवर कर रहे हैं ईस्ट एशिया, इधर कुछ चाइना के पार्ट और इधर ईरान तक का जो एरिया कवर कर रही है ये, और इधर यह तो ओशन है तो यहाँ पे कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अग्नि 3 की बात करें तो अब सऊदी अरेबिया का जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, उधर जो जॉर्डन के एरिया, कुछ टर्की के एरियाज़ हैं, इराक के एरिया सब कवर कर पा रहे हैं, और इधर चाइना के कुछ एरियाज़ कवर हो रहे हैं। और अग्नि 4 की अगर बात करें, 5 की सॉरी, तो यहाँ पे पूरा एशिया कवर कर पा रहे हैं, पूरा रशिया इसमें कवर हो रहा है, पूरा चाइना कवर हो रहा है, और यहाँ तक ये अब यूरोप जो है ईस्टर्न यूरोप प्लस अफ्रीका ये सारा कवर करवा रहे हैं। यानी कि जो इम्पॉर्टेंस की यही है, स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है इसकी, ये वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, कि जो नई मिसाइल हम डिस्कस की बात करें इसकी अग्नि 5 ये वही है। ये जो अग्नि 5 है मैं बात करूँ आपके साथ, अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, जो रेंज इसकी इतनी है 5000 किलोमीटर, पे लोड 1360 किलोमीटर ले जा सकती है, हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी है ठीक है। और 3 स्टेज है, 1 स्टेज, सेकंड स्टेज, स्टेज 3 कि ये सारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं सारे, इधर इट इज़ मलेशिया, इट इज़ इंडोनेशिया, इधर इस फिलीपाइंस, फिर इधर जापान तक ये है, फिर इधर ये एशिया के सारे, इसमें रशिया कवर है, इसमें चाइना कवर है, इसमें वेस्ट एशिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ तक कि अफ्रीका, इसमें यूरोप और सारा मिडल ईस्ट सारा हमने कवर कर लिया। यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस हमारे के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है बेसिकली, और यहाँ से जनरली अगर क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे उसके बारे में,
स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए जो मिसाइल है, अगर मैं बात करूँ हमारी जो अग्नि वन है, अग्नि टू है, उनकी अगर रेंज में बात करूँ 2000 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर जो उसकी रेंज हम पहले बात कर चुके हैं कहाँ पे, कि वो पूरा चाइना कवर नहीं कर रहे थे, इस एरिया तक आ रहे थे। और चाइना जो हमारा एक नेबर है, बट इतने अच्छे रिलेशन हमारे नहीं हैं, हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं, नेबरिंग कंट्री के साथ हम वॉर होता है, कुछ भी ऐसा टेंशन है, तो जनरली आपने देखा कि हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करते हैं, और सपोज़ कि जैसे प्रिकॉशन अगर हम अपनी मिसाइल जो है उनकी रेंज इतनी नहीं है तो उनको कहाँ करेंगे हम, डिप्लॉय करेंगे ऑन द बॉर्डर्स, क्योंकि बॉर्डर पे अगर वो चीज़ होगी तो उतना ही दूर जाएगी। रादर अगर मेरे पास वो स्टोर में या बेंगलोर में चीज़ पड़ी है और उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, तो हो सकता है वो यहाँ पे जाके गिर जाए। अगर मैं उस चीज़ को बॉर्डर पे ले आऊँ तो 2000 किलोमीटर तक आगे ले जा सकता हूँ मैं। तो उसका बेनिफिट क्या है आपको, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है तो जब आप उसको मूव करेंगे दे विल बी डिटेक्टेड। ये जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, जो US के हैं, रशिया के हैं, चाइना के हैं, काफ़ी कंट्री के स्पाई सैटेलाइट्स हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे और एक वो बड़ी थ्रेट का काम करेगा कि हो सकता है जो जिस कंट्री के साथ इंडिया की टेंशन चल रही हैं वो दूसरे कंट्री उसको इन्फॉर्म कर दे कि इंडिया की जो है नेक्स्ट पोजिशन ये है, इंडिया ने ये कदम बढ़ाया कि अपने जो मिसाइल हैं वो बॉर्डर्स पे ला रही हैं, तो हो सकता है उससे टेंशन और बढ़ जाए। और अगर किसी वजह से मान लीजिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें अटैक करना है किसी कंट्री पे, सो हम कर सकते हैं बिना उसको मिसाइल को स्टोर से मूव किए कि स्टोर से बाहर निकाला और लॉन्च कर दिया, हमें बॉर्डर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। वो कब होगा, जब मिसाइल की रेंज इतनी होगी, दैट इज़ ICBM होगी वो 5000 किलोमीटर अगर उसकी रेंज है, तो आप पूरा रशिया पूरा चाइना कवर कर सकते हैं, चाइना के किसी भी एरिया में अटैक कर सकते हैं, मिडल ईस्ट में कहीं भी कर सकते हैं, और एशिया पूरा कवर हो रहा है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस बन जाती है एक्चुअली। तो इसलिए हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि आज अगर हम देखें कंपटीशन है हर एरिया में, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे US है, रशिया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये इन चीज़ों को बहुत पहले बना चुके हैं। जब कोल्ड वॉर थी US और रशिया के बीच में, ये चीज़ तब डेवलप कर चुके हैं, उनके पास जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज 10,000 किलोमीटर हैं ऑलरेडी, जो हमारे पास नहीं है। तो इंडिया को अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा, मिलिट्री आस्पेक्ट से भी डिफेंस हमें स्ट्रॉन्ग बनना है और इकोनॉमिक आस्पेक्ट से भी। और जो हमने ये अग्नि 5 है 19 अप्रैल 2012 अभी रिसेंटली जो है इसको टेस्ट किया था, और कहाँ से करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। व्हीलर आइलैंड, दो जगह, एक व्हीलर आइलैंड और एक चांदीपुर, दोनों नज़दीक हैं उड़ीसा में, बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मिसाइल आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, दिस इज़ शौर्या शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बनाया किसने, सब DRDO बना रहे हैं, किसके लिए, आर्मी के लिए बनाया गया। इसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर है, और इसका जो पेलोड है 1 मीट्रिक टन यानी कि 1000 किलोग्राम, जो ये चाहे कन्वेंशनल डाल दीजिए, न्यूक्लियर वॉरहेड डाल दीजिए। और जो है इसको जनरली कहा जाता है जो सागरिका है उसका ये लैंड वर्जन है, और सागरिका इट्स ए न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जिसकी रेंज जो 750 किलोमीटर की। साथ जो डायग्राम जो पिक्चर है उसमें आपको सारी मिसाइल कुछ कंपेरेटिवली नज़र आ रही है कि पृथ्वी 2, साथ में ब्रह्मोस, सागरिका आप देख पा रहे हैं, K-15 जो लॉन्चर है, और अग्नि 3 ये देख पा रहे हैं इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट मिसाइल आप देख सकते हैं आकाश, दिस इज़ मीडियम रेंज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का काम कर सकते हो। किस लिए काम आएगी ये, कि अगर कोई प्लेन है इन द एयर, आप उसको अटैक करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, किसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और इसकी जो रेंज है 30 किलोमीटर की है, मीन्स इट कैन टारगेट एन ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर अवे, और ऑल्टीट्यूड 18,000 मीटर यानी 18 किलोमीटर पे भी अगर कोई चीज़ है तो उसको ये टारगेट कर सकती है। और ये जो है इसका पेलोड 60 किलोग्राम ले जा सकती है, दोनों वॉरहेड चाहे कन्वेंशनल है या न्यूक्लियर है। उस खास बात क्या है कि ये कई टारगेट्स को एक साथ टैकल कर सकती है, स्ट्राइक कर सकती है। ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब अगर बात करें क्रूज मिसाइल्स की, जो मैंने आपको बताया क्रूज मिसाइल्स कौन सी मिसाइल हैं, कि ये वो वेपन्स हैं, गाइडेड मिसाइल हैं पहली बात, जिनकी जो मूवमेंट कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल यानी कि पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ क्रस्ट के पैरेलल मूव करेंगे। देयर क्रूज मिसाइल जिसमें नाम आता है निर्भय का है, 3M54 क्लब है, P-70 एम टेस्ट है,
मॉस्किट है और ब्रह्मोस जो आप जनरली काफ़ी सालों से आप इसका नाम सुनते आ रहे हैं, बाकी शायद आपने नाम ही सुने पर ब्रह्मोस का जरूर सुना होगा अपने नाम और पता भी होना चाहिए। और यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसकी रेंज क्या है, कितना वॉरहेड ये कैरी कर सकती है, किसकी कोलेब्रेशन से बनाई है, किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, किस कौन से रिवर्स के बेसिकली नाम पर इसका नाम रखा गया है, ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, दो नदियाँ हैं, मॉस्को में होगी और ब्रह्मपुत्र हमारी नदी है तो उनके बेस पे नाम रखा गया और रशिया और इंडिया के कोलेब्रेशन से बनी। चलिए वो आगे बात करेंगे बट एनी हाउ वी स्टार्ट विद द निर्भय। निर्भय इज ए लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है। इसकी रेंज होगी 1000 किलोमीटर और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए बनाई जाएगी। और खासियत ये है कि इट्स ए स्टेल्थ मिसाइल कि जो रडार पे डिटेक्ट नहीं होगी, ये चीज़ है। और जो वॉरहेड है ये सभी तरह के वॉरहेड जो ले जा सकती है। उसके बाद 3M54 क्लब जो है ये एक्चुअली रशिया से हमने लिया मिसाइल जो रशियन मिसाइल है। और ख़ास बात करें मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है और जो स्पीड है 0.8 मैक, उसे लेके कितनी जा सकती है 2.9 मैक, यानी कि जो व्हाट इज़ मैक साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा, जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूँ मैक कि जब जो स्पीड है किसी चीज़ की साउंड की स्पीड से बढ़ती है तो हम उसको मैक से काउंट करते हैं। अगर वो साउंड की स्पीड के बराबर है 1 मैक, अगर डबल हो जाती है 2 मैक, अगर 3 गुना हो जाती है साउंड की स्पीड से जो हमारी स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, इट इज़ कॉल्ड 3 मैक, तो इसकी जो स्पीड है 3 गुना हो सकती है। देन P-70M टेस्ट ये रशियन मिसाइल है, रशिया से ली है, इट इज़ सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल। ये खास बात है इसकी सबमरीन से इसको लॉन्च किया जाता है, क्रूज मिसाइल है और रेंज जो है इसकी 50 से 65 किलोमीटर की रेंज है। मॉस्किट दिस इज कॉल्ड P-270 मॉस्किट। खास बात क्या है रशिया से हमने लिए सुपरसोनिक रैमजेट पावर्ड क्रूज मिसाइल है। रैमजेट बेसिकली टेक्नोलॉजी है कि जो इसको ऑक्सीजन चाहिए ये एटमॉस्फेयर से अपने लिए ऑक्सीजन ले लेती है, इसमें फ्यूल डालने की जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन वाला। और इसको लैंड और शिप दोनों जगह इसके लॉन्च किया जा सकता है। जो इसकी रेंज है 120 किलोमीटर है। उसके बाद ब्रह्मोस जो मैंने बताया इट्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ये तीन वर्ड याद रखिए कि अगर इसके बारे में लिखना है ये तीन वर्ड जरूर डालने हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक है यानी कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा इसकी स्पीड है, एंटी शिप है और पर्टिकुलरली शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई थी इसलिए एंटी शिप है, और तीसरा क्रूज जो इसकी जो पाथ है दैट इज नॉट ट्रेजेक्ट्री नॉट पैराबोलिक बट हॉरिजॉन्टल टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट्स अ क्रूज मिसाइल। और इसको कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, अब सबमरीन से लॉन्च कीजिए, एयरक्राफ्ट से लॉन्च कीजिए, ज़मीन से लॉन्च कीजिए या शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं। और बनाई किसने, इट्स अ जॉइंट वेंचर हमारा और रशिया का। और जो इसकी स्पीड कितनी हो सकती है 2.8 मैक जो इसकी स्पीड हो सकती है और कितनी रेंज है इसकी 290 किलोमीटर इसकी रेंज है मैक्सिमम। और उसके अलावा कह लीजिए कि जो शिप लॉन्च है और लैंड बेस्ड मिसाइल हैं उसका जो कितना वॉरहेड ले जा सकते हैं 200 किलोग्राम, जबकि जो एयर वेरिएंट है कि जो हवा से या प्लेन से जो लॉन्च होगा ब्रह्मोस ए उसको कहा जाता है वो 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। तो ये थी मिसाइल। अब ये जो नया सिस्टम आपको नज़र आ रहा है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और जिसको शॉर्ट में हम जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए अवाक्स AWACS, ये बहुत पुराना प्रोग्राम हमारे इंडिया का चल रहा है। 2004 में इसके बारे में आर्टिकल्स आया करते थे, दिस इज़ अबाउट द अर्ली वार्निंग सिस्टम और एक आर्टिकल था कि इवन अर्ली वार्निंग इज ऑफ नो वार्निंग। चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बट ये वार्निंग सिस्टम है क्या आपको इसका आइडिया होना जरूरी है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर में नज़र आया इसको देख लीजिए ध्यान से तो और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जो शेप यहाँ से थोड़ी सी अजीब सी नज़र आ रही है इस प्लेन की, इसमें आप अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या माउंट किया हुआ उसके, और बाकी तो प्लेन ठीक है, एक हमारा एयरफोर्स का प्लेन है ये। और यहाँ पे ये जो है ये एक रडार है बेसिकली जो मैं बिल्कुल चेंज कर दिया, जिसने था कि हमारा कॉन्सेप्ट कि IL-76 जो प्लेन है रशियंस प्लेन से ये, इस पे हमने एक रडार लगाना, जो रडार है ये इसराइल से लिए, उनका नाम था फाल्कन। इन दोनों को मिला के जो है वो अवाक बनाया गया, अवाक्स दिस इज एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको कहते हैं वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कह लीजिए। और किस प्रिंसिपल पे काम करता क्या एक्चुअली ये कि जो ग्राउंड ये यहाँ से उड़ान भरेगा ये प्लेन, और कि ज़मीन से ऊपर कि अगर ये मैं कहूँ ग्राउंड इस हाइट पे आके ये जो है
ये चक्कर लगाने शुरू कर देगा और पर्टिकुलर हाइट पे रहेगा, करीब कह लीजिए 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितने भी हाइट पे रहेगा, और ये कुछ दायरा जो है वो कवर करेगा कितना, कहते 800 किलोमीटर का जो रेडियस है ये कवर करेगा। 800 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली क्या है, एनिमी मिसाइल है कोई या एनिमी प्लेन है अगर कोई आ रहा है, तो ये रडर जो है डिटेक्ट करेगी 800 किलोमीटर, याद रखिए कि 800 किलोमीटर का दायरा ये कवर करेगा किसी एरिया से। उस एरिया में अगर कोई मिसाइल है, कुछ भी ऐसी एलियन ऑब्जेक्ट आ रही है, तो ये अलर्ट करेगा और जो है ग्राउंड स्टेशन उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और इसी चीज़ को मिला के हम जो बात कर रहे थे मिसाइल डिफेंस की, वो बेसिकली इसी का पार्ट है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ एन एयरबोर्न रडार सिस्टम। किस लिए डिज़ाइन किया गया, टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप हैं, व्हीकल्स हैं जो लॉन्ग रेंज पे हैं, एंड कंट्रोल एंड कमांड द बैटल स्पेस इन द एयर, एंगेजमेंट बाय डायरेक्टिंग फाइटर एंड अटैक एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स। और उसके अलावा इसको हम किस लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टू कैरी आउट सर्वेलेंस, ओवरग्राउंड टारगेट्स है, और कमांड एंड कंट्रोल बैटल मैनेजमेंट है, जैसे एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर, सेम तरह से हम इसको मिलिट्री कमांड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है ये रडार यूज़ करेगा, और रडार जो है ऑपरेटर्स को बताया कि डिस्टिंग्विश करेंगे वो चीज़ की जो एयरक्राफ्ट आ रहा है वो एनिमी एलियन का है या हॉस्टाइल कह लीजिए या फ्रेंडली है, और कितने डिस्टेंस पे सारा वो बताएगा, और ताकि हम उसको डिटेक्ट करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। यहाँ से जो मैंने बात की आपको कि जो इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो इसी को लेके बनाया गया। यहाँ से एक राइट अप आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, प्री में बनता है छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, और मेंस में माशाल्लाह बड़ा राइट अप आ सकता है, ऐसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो है क्या ये, बेसिकली ये जो मैं आपको अभी सिस्टम बता के हटाऊँ सारा वही, और उसमें करना क्या, वो इस डायग्राम को देखिए सारा क्लियर हो जाएगा आपको कि एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे ये जो है पेट्रोलिंग करेगा बेसिकली प्लेन जिसमें ये रडार लगा हुआ है। अब ये रडार डिटेक्ट क्या करेगा, सपोज कि दिस इज़ नंबर वन कि यहाँ एनिमी मिसाइल है वो लॉन्च की गई है, एनिमी मिसाइल लॉन्च की और वो हमारे कंट्री की तरफ आ रही है, उसने आके यहाँ गिरना है या कहीं भी गिरना है। अब जो अवाक है या अवाक कह लीजिए वो वार्निंग सिस्टम है, ये इसको डिटेक्ट करेगा और ये अलर्ट करेगा जो कंट्रोल सिस्टम है। उसके बाद जो हमारे ये है ट्रैकिंग रडार्स हैं, तो ये और दो ये रडार हैं जो उसको फाइनल करेंगे कि यस, और उसको लॉक करेंगे। और जो हमारा सिस्टम होगा इंटरसेप्टर मिसाइल का, जैसे हमने अभी किया, हमने AAD और जो पृथ्वी के जो वेरिएंट्स हैं वो हमने टेस्ट किए। अगर आपको पता हो जो मैंने आपको से पहले बात की कि 2005 में इंडिया उस क्लब में का मेंबर बन गया, यानी कि वो एक ऐसा चौथा कंट्री बन गया जिसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, तो ये यहाँ से मिसाइल लॉन्च होगी और यह मिसाइल उस एनिमी मिसाइल को स्पेस में एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगी, तो जैसे हमारा जो कंट्री है वो सेफ रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मिसाइल डिफेंस, कि मिसाइल से हम डिफेंस कर रहे हैं अपने आप को। और यही चीज़ है जो US भी चाहता था, जो यूरोप में लगाने की बात कर रहा था अमेरिका, ताकि रशिया को काउंटर किया जा सके। चलिए थोड़ी सी चीज़ जो आपको थोड़ी सी इनके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है, और यही है। और इसके साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।